चैनल और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं लखनऊ। बिकॉज अब बैग वैग लिए तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्यों जा रहे हैं लखनऊ। बिकॉज आज है पेपर मेरा, बस इसका नहीं है। ये एज अ गार्जियन चल रहे हैं, असिस्टेंट, हाँ सॉरी गार्जियन जो है असिस्टेंट, सेकंड असिस्टेंट वाली तो असिस्टेंट है। फिर मिलते हैं गाइस, हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। गाड़ी किधर है? मिलते हैं गाड़ी के अंदर। आगे बैठू मैं? आपको नहीं बैठना क्या? मैं बैठ जाऊंगा, मुझे अच्छा ही है। चलिए मैं जा रहा हूँ आगे, चलो आगे रिकॉर्डिंग करते करते चलो। जाएंगे सर से निकल चुके हैं जलालपुर से, जस्ट अभी भी हमारी कार निकल चुकी है, उसके बाद जो है देखते हैं। भाई साहब थोड़ा बंद कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग वगैरह। अरे रिकॉर्डिंग नहीं यार ये सब। अरे सर तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे दो दो भ्राताश्री मेरे साथ लखनऊ, छोटे एक बड़े, सभी को नमस्ते। और मास्क वेरी इंपॉर्टेंट है, बट अभी कार में उतारेंगे कि जब बाहर उतारेंगे तब। I don't wanna go, the things I left are behind me. I don't wanna go, just with myself. I don't wanna go, the things I left are behind me. तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मौसम में जो रुके हैं, मजा ले रहे हैं। मौसम में आप दिखाना चाहूँगा काफी खतरनाक बेहतरीन मौसम बना हुआ है, बस हालत खराब हो गई थोड़ा, बैठते बैठते चाय की चुस्की ले जाए मौसम में। होता है अच्छा नहीं में नहीं है ना।
क्या बनाए हैं? चुके हैं, पता भी नहीं चल रहा है कौन सा सेंटर है, ये क्या है। काफ़ी कम स्टूडेंट दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो मोस्टली लोग खड़े हुए हैं गेट पे, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है किस टाइप का पेपर हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि आपको ये लाना है वो लाना है। काफ़ी हल्की भीड़ है, लोग खड़े हुए हैं। तो सर इनका भी रिविज़न चल रहा है कि सर आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट मिनट टिप्स हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन लास्ट 5 मिनट्स, उसी का मैं तैयारी कर रहा हूँ। यूट्यूब पे देखिए सर, यूट्यूब पर से देख के मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर के नोट्स आप देख लीजिए यूट्यूब पे ऐसे है कि आप यूट्यूब पे जाइए, लेकिन आपको कुछ खुद से तैयारी करना पड़ेगा। बस चल रहा है। तो ये अभी मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ, लोग सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं। ये है अपना ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन टेस्ट। काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, देख रहे हैं आप लोग, स्टूडेंट्स बाहर खड़े हुए हैं। अभी एक बजे की रिपोर्टिंग रहती है, अभी फ़िलहाल टाइम तो हुआ होने वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम वेरिफिकेशन के लिए खड़े हैं और काफ़ी सही से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो रहा है, बिकॉज स्टूडेंट्स कम थे तो इसलिए हो रहा है। सो गाइस, मेरा पेपर हो चुका था, मतलब मैं 5:30 बजे निकल आया था और अभी हम नाश्ता पानी कर रहे हैं। ये तो नाश्ता पानी हो गया और अब सीधे जा रहे हैं घर की तरफ। तो पेपर के बारे में यार कोई मत पूछना, पेपर तो बहुत अच्छा जाता है। पेपर तो बहुत अच्छा ही है, क्यों ना, बहुत अच्छा जाता है। सो अभी लेकिन जैसा सोशल डिस्टेंसिंग और मतलब काफ़ी अच्छा फॉलो करवाए थे, क्योंकि लेकिन कम बच्चे थे। अभी देखना है जेई का पेपर कैसे होता है, जेई में काफ़ी वो होता है, जेई में होता है। तो जेई में क्योंकि काफ़ी भीड़ रहेगी, तो देखते हैं कैसे रूल फॉलो होता है। बाकी कॉमेट जो वो काफ़ी अच्छा था, तो रिजल्ट। थैंक यू गाइस। हे गाइस, रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं काफ़ी थक चुका हूँ। अभी मैं और मेरे भाई आ चुके हैं लखनऊ से और हमने खाना वाना भी खाया, काफ़ी भूखे थे। और अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ आज के पेपर का, तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, मतलब उम्मीद से काफ़ी अच्छा था। मतलब मेरे सेंटर पे तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मेरे सेंटर पे आई थिंक बच्चे कम आए थे, और अदर लोगों का देख रहा हूँ तो काफ़ी क्राउडेड था। बट बच्चे कम थे किस पेपर के लिए, बट जेई और नीट के लिए काफ़ी बच्चे आएंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो देखते फिर वहाँ पे कैसे SOP फॉलो होता है, और आई होप कि जैसे आज के पेपर मेरा SOP फॉलो हुआ है वैसे ही उस दिन भी हो। और बाकी तो प्रिकॉशन अपनी जगह अपना करना ही है कि मास्क लगाओ, ग्लव्स लगाओ। यहाँ पे काफ़ी, और यहाँ पे एक अच्छा मुझे लगा कि इस पेपर में लोग वहाँ के जो स्टाफ थे वो मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप देख रहे थे कि आपका वहाँ सेल्फ असेसमेंट हुआ है आरोग्य सेतु ऐप में, अगर आपका रिस्क लो है तभी वो एंट्री दे रहे थे आपको पेपर में, बाकी नहीं। या तो अगर आपके पास मोबाइल नहीं है आरोग्य सेतु ऐप नहीं, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया था जिसमें आप अपना टिक करो ऑप्शन और अपना बताओ, साइन वाइन करो कि आपको ऐसा फीवर वर नहीं है, तो आपका टेम्परेचर चेक करेंगे फिर आपको एंट्री लेना है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक न्यू वे मिल रहा, लेकिन मज़ा आई पेपर देने में। और बस सेफली घर आ गए, बढ़िया है। और आप लोग भी अगर जा रहे हो पेपर देने तो यार सेफली जाओ, ट्रांसपोर्ट खुद का यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतनी सेफ्टी नहीं।
तो बस आज का यही व्लॉग था। और आपको व्लॉग यार तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, फिर लाइक करो और शेयर करो तो वो पता चले कि पेपर कैसे हो रहे हैं और कैसे सेफली जाओ, मास्क लगाओ, ग्लव्स लेके जाओ, खुद का सैनिटाइजर लेके जाओ। ये सब तो कंपलसरी चीज़ें अगर आप बाहर निकल रहे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आई होप यू ऑल सेफ एंड फाइन। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर पसंद आए तो हिट करो, लाइक करो, शेयर करो या सब्सक्राइब करो। बस।